एक दो तीन हेलो गाइज, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शादाब हाशमी व्लॉग्स। आज का व्लॉग में हम जाने वाले हैं वो पहाड़ी पर, उंगली करो भाई, वो पहाड़ी पर हम जाने वाले हैं। वहाँ पर एक बाबा जी आए हैं अभी नए नए और सुनने में आ रहा है कि वो भविष्य बताते हैं, तो यही भविष्य जानने के लिए अभी हम जाने वाले हैं पहाड़ी पर। सभी थक गए हैं और वहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं। आधा सफ़र कंप्लीट हो गया है और आधा अभी भी बाकी है, मंजिल मेरे सामने ही है। तो अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं, मंजिल पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने पूछा अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ दो बंदों के है, दो बंदों को अंदर जाने की इजाज़त है, वो भी चप्पल निकाल के। तो हम अभी अंदर जाते हैं और जानकारी बताते हैं आपको कि क्या सीन है। तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ और कुछ सवाल थे जो हमारे, वो अभी मैं करने जा रहा हूँ बाबा जी से। देखिए बाबा जी, वैसे तो मेरा नाम शादाब है और वैसे हम यूपी से हैं, इधर भिलोड़ा में नीचे रहते हैं, हम काफ़ी टाइम से रहते हैं वैसे तो, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमने देखा ये किसी ने घर बनाया है और वहाँ कुछ सवाल थे हमारे कि वहाँ पर कौन रहता है, किसने रहना शुरू किया है, अभी सर्दी भी आ रही है, कौन इतना ऊपर रहता है और सर्दी नहीं लगती क्या, जानवरों का डर है इतने ऊपर पहाड़ी पे, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं और ये बताएं डिटेल में। यहाँ पे मेरे को देव प्रकट हुआ है। अच्छा, देव प्रकट हुआ है। यहाँ पे मेरे को सवा महीना रुकना है। अच्छा, सवा महीना नहीं खाने का, ओनली फॉर पानी पीने का और चाय पीने का, इससे अलावा दूसरा कुछ चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। बहुत ख़तरनाक सीन है, वो बोल रहे हैं उनको सवा महीने यहाँ पर रुकना है। मैं नीचे से भी आपको दिखाऊंगा कि ये जगह कितनी ऊपर है और यहाँ पर कितना, ये पूरा इलाका जंगली इलाका है, उनको वहाँ सवा महीने रुकना है। वो बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं खाना है, खाली पानी पीना है और चाय पीना है। क्या नाम है वैसे आपका? बरंडा हितेश कुमार प्रेम जी भाई। अच्छा, गाँव ओड। अच्छा, तालुको भिलोड़ा, जिला अरवली। अच्छा, पिन कोड नंबर 38 33 55। चलो, तो कुछ आप वो हाथ वात देखते हो किसी भाई का? ये मेरा जब यहाँ से सवा महीना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाद में मैं देख सकता हूँ, अभी मैं बांधा हुआ हूँ बॉर्डर के अंदर में। इसके बाहर नहीं जाते तुम? नहीं, बाहर जाते हैं। अच्छा, लेकिन ओनली फॉर अपने कुछ कर नहीं सकते बाहर। अच्छा, किसी को हाथ नहीं देख सकते हो। जो आगे वाला गुरु जी है उसका वसन दिया हुआ है। अच्छा, कि जब मेरा वसन ख़त्म होगा सवा महीने के बाद में आप काम कर सकते हो।
तो जो इनके गुरुजी है उन्होंने इनको वचन दे रखा है कि 1.25 महीने यहाँ पर तपस्या करना है। तपस्या करना बोलते हैं, तपस्या करना है, उसके बाद ही ये आगे काम कर सकते हैं, किसी का हाथ देख सकते हैं और जो भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस यही सवाल थे हमारे तो, कि ऊपर रहता कौन है, रहना किसने शुरू किया है, ये तंबू बांधा और ये सब सिस्टम किया है यहाँ पर, तो यही सवाल थे और यही क्लियर करने के लिए हम आपके पास आए। कोई बात नहीं, यहाँ पे खाली अभी बाकी रहा है, 13 दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है और उसके बाद चले जाओगे आप उसके बाद में भिलोड़ा में आ जाऊँगा। भिलोड़ा में, नीचे सिटी में आ जाओगे। हाँ सिटी में ही रहता हूँ मैं। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी शुरू है ना फाइनल। तो बहुत सारे हमारे सवाल थे, कौन ऊपर रहता है, किसने रहना शुरू किया है, सर्दी आ रही है, इतनी सर्दी पड़ेगी कैसे वो ऊपर रह पाएंगे, जंगली इलाका है, जानवरों से डर नहीं लगता है। अभी यहाँ पहुँचे हम और उनसे बात की, तब आके पता लगा कि क्या सीन है। वैसे तो यहाँ सबके सब अपना हाथ दिखाने के लिए आए थे बाबा जी को, लेकिन बाबा जी की अभी तपस्या पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर फोटोग्राफी वाला सीन है। देखिए यहाँ पर ऊपर बहुत ही मेहनत से हम आए थे और यहाँ पर ये हाथ नहीं दिखा पाए तो इसलिए रो रहे हैं। देखिए अभी शाम हो रही है और फोटोग्राफी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, तो हमें नीचे जाना है रात होने से पहले पहले, तो अभी हम नीचे जाते हैं और ये रहे चने, तो अभी हम नीचे जाते हैं और यहीं पे व्लॉग खत्म होता है।